महंगाई डायन की बुरी नजर से बचने का एक ही टोटका है मिडिल क्लास के पास, और वो है बचत। लेकिन जब इस बचत पर ही डायन की बुरी नजर पड़ने लगे तो क्या करेगा राजेश वागले? कि हम लोगों को खर्चे कम करने के बजाय आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। एक बार सोच लो ना, बहुत रिस्क है इसमें। रानी, रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिल्डिंग मेंटेनेंस 2500 और पापा के फ्लैट की एमआई 28,000 रुपए, और तुम्हारा पिछले महीने का ओवरटाइम आया है 12,000। पापा को मना किया था लेकिन फिर भी इस महीने के राशन के पैसे उन्होंने ही भर दिए। अच्छा, शॉर्टेज कितना आ रहा है? 11,000। 11,000? 4,000 में उसमें से अपने इमरजेंसी फंड में से दे सकती हूँ। 7,000 कम पड़ रहे ना। हाँ, पर कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे राज। मेरी ऑप्टिमिज्म की रानी, ऑप्टिमस प्राइम। मराठी में कहते कि सगळी सोंग आणता येतात पण पैशाचा सोंग नाही आणता येत। मतलब डिंगे मारी थी कि मराठी सीख गई। हो बेसिक शिकली आहे मी। 25 वाक्य बिन बो भाट बोलू शकते, कळलं ना? बिन बो भाट, ठीक है, कळलं कळलं। लेकिन ये मुहावरे कहावते हैं। इसका मतलब ये है कि हर किसी चीज का स्वांग रचाया जा सकता है, लेकिन अगर जेब खाली हो तो अमीरी का स्वांग नहीं रचा सकते। लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे हम। वो तो निकल ही आएगा वंदु रानी। नहीं, वैसे वो पेटी एक्सपेंसेस के बिल स्पेंडिंग है, मेडिकल के वाउचर्स अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो ये सब क्लियर हो जाएगा ना तो 7,000 मैनेज हो जाएंगे। एंड वर्स्ट टू वर्स्ट कम, वो एफडी है, वो गोवा की ट्रिप कैंसिल हुई थी, मेरा पैर टूटा था, वो वाली एफडी, वो ब्रेक कर लूंगा मैं। हाँ, तो फिर तो सॉर्टेड है ना। वैसे भी राज, ये एफडी के इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे हैं। पहले 8% मिलते थे, अब तो सिर्फ 4 या 5% ही मिलते हैं। आने वाले सालों में ना हमारा कैलकुलेशन बिगड़ सकते हैं। करेंगे मैनेज, खर्चे कम कर देंगे। यू नो समीर काकोड़ कर रहे हाँ। उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि हम लोगों को खर्चे कम करने के बजाय आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। ईशा, यश, पुनीत, चंदू सर, समोसे लाया हूं। दासानी, आपको खुद आपके कानों पे भरोसा हो रहा है कि आपने अभी लाया हूं ऐसे बोला? नहीं, आपको चेक इन करने के बाद ना हाथ चेक करना पड़ता है कि कहीं एक आध उंगली तो नहीं आपने रख ली। एनीवे, किस खुशी में? क्या लॉटरी लग गई क्या? ऐसा ही समझिए सर। हाँ? एक्चुअली मैंने अपने एक दोस्त की सलाह पर अपनी बैंक एफडी तोड़कर सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया है, और पिछले 10 दिनों में मुनाफा बढ़ के 40% हो गया। 10 दिनों में 40%? Congratulations. क्या 40% पकड़ के बैठे हो? अरे लोग 400-400% भी छापते हैं। अच्छा, और नहीं तो क्या? अरे अभी कोविड में लोगों ने इतना कमाया है ना, उतना तो 10 साल में नहीं कमाया है। बोलो, हम लोग ने क्या किया लॉकडाउन में? खाना खाया, बर्तन धोया, झाड़ू पोछा किया। एक मिनट, अब कंप्लीट करो ना आप जो बोल रहे थे, उसके बाद में खाइए। आप ज्योति भाभी भी नहीं है ना, तो समझेंगे ना। ओके, तो आप हमेशा बोलते हो कि मुझे भी थोड़ा करना ही चाहिए। हाँ, अरे शेयर बाजार मतलब समुंदर है राजेश भाई, कितना भी पानी निकालो खत्म थोड़ी होने वाला है। तो मैं कूद जाऊं? नहीं। अरे अभी तो आपने बोला कि समुंदर में बहुत पानी है। अरे आप समझे नहीं राजेश भाई, बहुत भीड़ बढ़ गया है मार्केट में, और ऐसे ऐसे लल्लू पंजू लोग आ गए ना मार्केट में, ऐसे लोगों को ना हम लोग रॉबिनहुड इन्वेस्टर कहते हैं। मार्केट की हालत बहुत खराब है राजेश भाई, और विक्स, विक्स तो कभी ऊपर कभी नीचे, क्या बोलूं मैं आपको। विक्स मतलब वो, आप रहने दो राजेश भाई। देखिए मेरी सलाह इतनी है कि आप है ना इन सबसे दूर रहे। अरे मार्केट में कभी भी करेक्शन आवे राजेश भाई, सीधी भाषा में समझाऊं ना राजेश भाई, तो शेयर बाजार की बहती गंगा में कभी कभार ऐसा तूफान आवे ना कि उसमें हाथ धोने के लिए उतरा हुआ आदमी डूब के ऐसा बह जावे कि पता ही नहीं चले। इन शॉर्ट, ये आपका काम नहीं है राजेश भाई, रहने दो। मेरा काम नहीं है? आप कुरियर ही संभालो ना, वो बेटर है। और वैसे भी आपने तो कहा था कि आपको शेयर मार्केट में नहीं पढ़ना है।
खुल गया आपका डीमैट अकाउंट और इसमें आपका बैंक अकाउंट भी लिंक्ड है, तो कल से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसे डिपॉजिट करने होंगे। 5,000 कर दे। श्योर? सही दीदी, गई आपकी डांस क्लास। ओए, डांस क्लास कहीं नहीं जाने वाली, तू चुप बैठ। राज, मैं क्या सजेस्ट करती हूँ ना कि एक बार हर्षद भाई से बात कर लेते ना। तुम्हें समझ में नहीं आया तो क्या नहीं आएगा समझ में? वो इडियट दासा नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता? एक बार सोच लो ना, बहुत रिस्क है इसमें। बंधू रानी, रिस्क तो लेना पड़ेगा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? अच्छा शांति भाई, वो आप मुझे कौन सा शेयर लेने को बोल रहे थे? भरोसा इंडस्ट्री, भरोसा करके ले लूं? पक्का डबल होगा ना? अरे फिर तो अभी लेता हूं, आप फोन रखो। ₹200 का एक शेयर है, एक काम करता हूं, 10 शेयर ले लेता हूं, एक साथ सारे पैसे नहीं डालने। सही बाबा, ये डाला मैंने ₹200 में 10 शेयर का बाय ऑर्डर। अरे वाह, आप ही गए सर? वो चेन्नई का फाइल। चेन्नई की फाइल? हाँ यही है। थैंक यू सर। ये क्या, 210? 2 मिनट में ₹200 का शेयर 210 हो गया? मतलब 2000 के 2100, 2 मिनट में 5% का मुनाफा। आजकल बैंक FD पर जो 1 साल का देती है, उतना मुनाफा 2 मिनट में? अरे बाप रे, इसका मतलब 20 दिन में पैसे डबल। ₹1.5 लाख शेयर्स खरीद डालो। अरे वहां पहली बार अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा होते हुए देखा मैंने। बाबा बाबा, भरोसा इंडस्ट्री का शेयर 10% डाउन, 200 का 180, मैं अभी 210 था ना। बेच दे राजेश, बेच दे, कहीं और घट गया तो। यू आर लेट सर, मैंने तो तभी बेच दिया था जब 5% बड़ा हुआ था। योर फाइल सर। ओ ओ, 9 करोड़ का शेयर है, तू ले भाई, तू जल्दी फटाफट ले। हाँ, राजेश वागले कहाँ गया? अरे कामचोर, राजेश वागले कुड़ा ले तू। कौवा चला हंस की चाल और खुद की चाल भी भूल गया, छालर कौवे। चलो बाबा, पैसा 2000 के 1800 हो गए, पूरे 10% का लॉस। इससे तो बैंक FD अच्छी है। ये क्या भाव वापस बढ़ रहा है? 190, 200, 205, 210, 220। अरे बाप रे, ये तो 220 हो गया और मैंने लॉस में बेच दिए। ये क्या किया राजेश तूने? श्रद्धा सबूरी का मूल मंत्र भूल गया। राज, इस सैटरडे को ना सखी का ऑनलाइन डांस कंपटीशन है,
तो वो लैपटॉप के सामने डांस करेगी और हम लैपटॉप के पीछे बैठ के उसको चीयर करेंगे, इससे उसका हौसला बढ़ेगा। बढ़ गया था तब बेचना चाहिए था मैंने, और बेवकूफ की तरह जब थोड़ा सा घटा तब बेच कर लॉस बुक कर दिया। थोड़ी सी राह देखता ना तो प्रॉफिट करके निकलता मैं। नहीं नहीं, गलती मेरी है। पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ना उस कंपनी के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी और स्टडी करनी चाहिए थी, लेकिन अब करूंगा। ये जंग तुम्हें जीत कर रहूंगा। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने क्या कहा? Are you okay? Yeah, of course. हमारे यहाँ ना एक पई काका रहते थे, लाइब्रेरी वाले। वो कहते थे कि राजेश तुम एक बार जो पढ़ लेते हो ना तुम्हें हमेशा के लिए याद रहता है, नॉलेज ही चाहिए ना। दो तीन लोगों के बारे में मैंने सुना है, उनमें से किसी का वीडियो चैनल मैं सब्सक्राइब करता हूँ। किसका करूँ? उंगली खींचो जल्दी। ये उंगली खींचने के पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि किस बात के लिए उंगली खींच रही हूँ। नहीं, नहीं, मैं खुद आत्मनिर्भर बनता हूँ। शनिवार को होने वाली एजीएम में वेल्थ वाले इंडस्ट्री बेहतरीन रिजल्ट दे सकती है। यहाँ से अगर ये शेयर चला तो फिर रुकने का नाम नहीं लेगा। सारे चार्ट, सारे एनालिसिस भी इस शेयर की फेवर में है। वेल्थ वाला इंडस्ट्री मिल गया मेरा विनिंग शेयर। सैटरडे है और मेरा परफॉर्मेंस है। आई होप वेल्थ वाला आज परफॉर्म करे। आज वेल्थ वाला भी नाच रहा है? तो मैंने कितनी बार कहा यहाँ घी का डिब्बा रखो, अब दिया कैसे जलाऊंगा? राज, दिया ऑलरेडी जल रहा है। मुझे और एक जलाना है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? जाते जाते मंदिर हो जाता हूँ। चलो थैंक यू, बाय। राज, सो गाइस, दिस इन्वेस्टर इज कमिंग इन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी वेरी फोकस्ड। मिस्टर वागले, मिस्टर पूनावाला हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर हैं और मैं चाहता हूं कि तुम जाकर उन्हें रिसीव करो। राजेश, तुम सुन रहे हो ना? यस यस। मिस्टर पूनावाला हमारे वेल्थ वाला। अरे बोला सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। अरे वेल्थ वाला 10% से ऊपर है बॉस। रिडिक्युलस, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ऑफिस में कोई डेकोरम नाम की चीज है भी या नहीं है? सॉरी। सर, अपने फाइल कंप्लीट नहीं की, बॉस कभी भी मांग सकते हैं। यस, वेल्थ वाला और 2 रुपया बढ़ गया। सर, अरे चंदू तू क्यों सर पे खड़ा है? करता हूं ना तेरी सारी फाइल्स कंप्लीट। 10 मिनट दे, मार्केट बंद होते मैं करता हूं। सर, आज अपने मीटिंग में जो किया है ना वही बड़ी मुश्किल से संभला है। बॉस काफी नाराज है, कहीं आपकी नौकरी पर खतरा आ गया तो? चंदू मुझे ना नौकरी की फिक्र नहीं है। सर, कोरोना के बाद जब से ऑफिस शुरू हुआ है तब से आपने कहा है ना कि अपना काम मन लगा के करो, क्योंकि आजकल नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और अभी आप ही ऐसा कह रहे हो। चंदू, नौकरी जाने का डर ठीक है लेकिन थोड़ी हिम्मत भी तो रखनी चाहिए, अपने आप पर थोड़ा विश्वास होना चाहिए।
ये देख वेल्थ वाला का शेयर 3 रुपए से बढ़ गया है। चंदू 10 मिनट दे, मार्केट बंद हो रहा है, उसके बाद में मेरे भाई तुम जिस कागज पर कहोगे उस पर साइन करने के लिए मैं तैयार हूं। आई अकाउंट में एफडी के ऊपर ओवरड्राफ्ट 1 लाख का मिल सकता है, पैसे 1 मिनट में अकाउंट में आ जाएंगे। राजेश वागले हिम्मत कर और ज्यादा खरीद ले वेल्थ वाला इंडस्ट्रीज, मंडे को 20% बढ़ ही जाएगा। बंदू रानी को फोन करके बोलूं उंगली खींचने को? इतना वक्त नहीं है, 8 मिनट ही बचे मार्केट बंद होने में, मौका हाथ से छूट ना जाए। साईनाथ महाराज की जय। वेल्थ वाला इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्टर्स की सारी अपेक्षाओं को चकनाचूर कर दिया है। रिजल्ट्स इतने खराब है कि सोमवार मार्केट खुलती पता नहीं ये शेयर कितने घाटे में जा सकता है। अरे बाप रे, मैंने तो ओवरड्राफ्ट लेकर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए इस कंपनी के शेयर में, मंडे को क्या होगा? वंदना को पता चला तो? बॉस का वॉइस मैसेज, राजेश मैं आज पूरा दिन तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब रहा हूं। तुम एक अच्छे एम्प्लॉई हो लेकिन आज तुमने जो भी किया है वो ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें इस नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे कठिन फैसला लेना पड़ेगा। गुड नाइट। खुश रहे, तैयारी ठीक से हो गई ना? Yes, दादी, और जीत के दिखाऊंगी। पोती किसकी है? तेरे दादाजी भी आते होंगे। मैंने ना ये इसके परफॉर्मेंस के बाद एक छोटी सी ट्रीट भी प्लान की हुई है। हाय, गुड मॉर्निंग फैमिली। डैड आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं? नॉट वेल? नहीं नहीं, नींद नहीं हुई मेरी, तो आंखें भी जल रही मेरी। एक्सक्यूज मी। राज, सखी की परफॉर्मेंस शुरू होने वाली थोड़ी देर में। हाँ, आई नो आई नो मैम। राजू, इसे क्या हो गया? वंदना, बात क्या है? ओवरड्राफ्ट के पैसे तूने शेयर मार्केट में लगा दिए। कुछ नहीं होगा पापा, टेंशन मत लीजिए। टेंशन मत लीजिए, तू जो ले रहा है ये क्या है, गोलगप्पे का ठेला? तेरे मुंह पे 12 बजे हुए हैं इस शेयर मार्केट के चक्कर में। मानता हूं मैंने गलत शेयर में पैसे लगा दिए, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है पापा, थोड़ा रिसर्च करूंगा ना तो। और नौकरी कौन करेगा? वंदना के पास तेरे बॉस का फोन आया था कि तेरी नौकरी खतरे में है बेटा। फिक्स्ड इनकम इनकम होती है, साइड इनकम इनकम नहीं होती। और नौकरी के अलावा एक पुरुष के पास और भी बहुत सारी नौकरियां होती है, जैसे होशियार भाई की नौकरी, एक अच्छे बेटे की नौकरी, समझदार पति की नौकरी, और सबसे इंपॉर्टेंट है माँ बाप की नौकरी। सखी के डांस परफॉर्मेंस में ना हाजिर होकर तूने उस वाली नौकरी में भी बहुत बड़ी गलती की है। तेरी कंपटीशन जीत भी गई लेकिन खुश नहीं थी बेटा। शेयर मार्केट के निवेश के लिए किसी एक्सपर्ट की मदद ले लेंगे, लेकिन अपनों की खुशियों के लिए खुद ही एक्सपर्ट बनना पड़ता है। एंड शेयर मार्केट गेट एन एक्सपर्ट, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। ओके सर, आज शेयर मार्केट नहीं देख रहे? लॉस हो गया होगा मेरी तरह, मैंने तो अपने सारे पैसे वापस एफडी में डाल दिए। लॉस तो हुआ थोड़ा, लेकिन प्रॉफिट बहुत बड़ा हुआ था सनी, क्योंकि मुझे ये सीख मिली कि शेयर मार्केट की ग्रोथ देखने से कहीं ज्यादा जरूरी है मैं अपने बच्चों की ग्रोथ देखूं। हम मिडिल क्लास वालों के जीवन में ना कई तरह के उतार चढ़ाव होते हैं, कई तरह की दुविधाएं होती है। हमें लगता है ना अक्सर कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो, लगता है ना हमें, है ना?
लेकिन अनुभव और ज्ञान ना होने की वजह से एक तो हम अपनी बचत खो बैठते हैं और कई बार तो जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है उसे भी नुकसान पहुंचाते हैं, जो सही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट्स हैं, यू नो, बहुत सारी स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं जिसके जरिए आप सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसलिए मैंने तय कर लिया कि मैं भी एक एक्सपर्ट हायर करके अपने कुछ पैसे शेयर मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन अपना समय अपने काम, अपने परिवार और बच्चों के लिए सुरक्षित रखूंगा। वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। पैसे तो कमानी है लेकिन अपनों की खुशियों के लम्हों के बदले नहीं। जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना, कुछ बिजनेस पराई अच्छे, श्रीनिवास का था ये कहना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।